कोटा की शैक्षणिक नगरी, औद्योगिक नगरी, कृषि नगरी के अंदर आज ट्रू 5G जियो की शुरुआत हो रही है। दुनिया के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, तकनीकी और विज्ञान के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर एक व्यापक बदलाव भारत के अंदर हुआ है और उस बदलाव के अंदर 5G नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिन लोगों की जिंदगियों को, लोगों की हर चुनौतियों का समाधान भी करेगा और विशेष रूप से इस कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा के विषय पर, 3D एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सभी सेक्टर के अंदर ट्रू 5G के माध्यम से हर चुनौतियों का समाधान, हर कठिनाइयों का समाधान, लोगों के लिए दुनिया में बेहतरीन जो विकल्प है उन विकल्पों को चुनने का एक माध्यम होगा और उसमें ट्रू 5G जियो निश्चित रूप से लोगों के लिए एक इंडस्ट्री, व्यापारी, विद्यार्थी, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए व्यापक रूप से उनके बेहतर जिंदगी के लिए होगा। साथियों, दुनिया के अंदर, भारत के अंदर हम टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, इनोवेशन के अंदर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए ये 5G नेटवर्क जो भारत में 4 महीने पहले शुरू हुआ और कोटा में 4 महीने बाद इसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय के अंदर ये हमारे विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए आने वाले समय के अंदर 2023 में लक्ष्य है कि हमारे तहसील में, गांव के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का लाभ लोगों को मिलेगा, गांव के अंदर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, वहां पर कृषि के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर नए रिसर्च इनोवेशन को, अपने एजुकेशन को, बदलती दुनिया को गांव में बैठकर देख सके, क्योंकि भारत वो देश है जहां पर 4 लाख से ज्यादा गांव के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी है और इंटरनेट सेवा के अंदर कोई समय 2G का था, 3G का समय आया, 4G का समय आया, लेकिन अब 5G के अंदर जो दुनिया के अंदर बहुत कम देशों के अंदर 5G है, भारत जैसे विशालतम देश के अंदर इस 5G टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से बहुत बड़ा हर सेक्टर के अंदर लाभ मिलेगा और इस बदलाव से लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन होगी, लोगों को उद्योग, व्यापार, कृषि के अंदर नई टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिलेगा, देश और दुनिया का बाजार हम 5G टेक्नोलॉजी के बाद और तेजी से बढ़ाने में काम होगा और इसीलिए भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जो हमारा लक्ष्य है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण थी और जियो नेटवर्क
अब गांव में पहुंचने लगा है, कुछ समस्याएं जो गांव अभी हमारे इंटरनेट से जुड़े नहीं है वहां भी इंटरनेट की सेवाएं पहुंचे, जहां भी हमारा नेटवर्क अभी कम है वहां भी नेटवर्क हमारा पहुंचे, ताकि कोटा और संभाग के अंदर हम टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करते हुए हमारे इंडस्ट्री, व्यापारी, सर्विस सेक्टर, सभी सेक्टरों के अंदर नए रोजगार के अवसर मिले और लोगों को रोजगार भी दे सके। मुझे आशा है आज इसकी शुरुआत हुई है, इसका आने वाले समय के अंदर एक व्यापक परिवर्तन आप देखेंगे सभी क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि डिजिटल युग से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप यहां बैठकर दुनिया की खरीदारी कर सकते हो, दुनिया को सामान बेच सकते हो, गांव में बैठा व्यक्ति गांव में अपने कृषि वैल्यू एडिशन करके दुनिया का बाजार ढूंढ सकता है, बच्चा स्कूल कॉलेज गांव में बैठकर दुनिया की एजुकेशन को पढ़ सकता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर को इस 5G से लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए रिलायंस जियो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5G की सेवाएं कोटा में शुरू की है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वो तहसील गांव के अंदर भी राजस्थान में सबसे पहले कोटा में शुरू करेंगे। इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।